मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हाजरा सलीम का रिश्ता हमारी लारेब के लिए लाएगी। अल्लाह ने कैसे वसीला बनाया और अब मेरी बेटी इतने अच्छे घर शादी होके जाएगी। वैसे मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि इस जुम्मे को लारे बापी की मंगनी है। अम्मी, हम लोग सब लारे बापी की मंगनी में नए कपड़े बनवाएंगे। बना लेना। अम्मी, आपने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट दी, अब्बू के घर कब जाएंगे? ऐसा हो सकता है कि मैं खुशी के मौके पर राशिद भाई को भूल जाऊं। कल जाऊंगी उनके यहाँ मिठाई लेके और मंगनी की दावत भी देके आऊंगी। मैं भी चलूंगी आपके साथ। अच्छा, सब चले जाना, जरा जल्दी कर ले, बहुत भूख लग रही। हाँ, मुझे भी। अब तो आरिफ भी जॉब पर लग गया और आप अभी तक टीचिंग क्यों कर रहे? राशिद भाई, फारिग रहकर भला मैं क्या करूँगी? वैसे भी आरिफ जॉब के साथ साथ स्पेशलाइजेशन कर रहा है, तो बस आप दुआ करें अल्लाह इन्हें कामयाब करे। अच्छा, कहीं रिश्ता तय किया आपने आरिफ का? नहीं, क्योंकि आरिफ ने मना कर दिया है। वो कह रहा पहले मेरी स्पेशलाइजेशन कंप्लीट हो जाए, फिर शादी का सोचिएगा। लेकिन हाँ, मैंने हसान के लिए एक लड़की पसंद कर ली, लेकिन डरती हूँ कि वो लड़की के घर वाले मुझे इनकार ना कर दे। ये तो बहुत खुशी की बात है, क्यों इनकार करेंगे लड़की वाले, अपने हसान में कमी ही क्या। हेलो, अब फोन क्यों किया? खुदा ना तो गवारा नहीं समझा। फोन इसलिए किया है कि जाकर छुप कर सुनो, मेरी अम्मी मेरे लिए तुम्हारे बाबा से तुम्हारा हाथ मांग रही है। क्या कह रहे हो हसान? कितने बेवकूफ हो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरे तो दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं। तुम अगर पहले बता देते तो मैं ज़हनी तौर पर तैयार तो रहती, अगर बाबा ने इनकार कर दिया तो? मुझे पूरा यकीन है अंकल इनकार नहीं करेंगे। जानती हो क्यों? मैंने सच्चे दिल से तुम्हें अल्लाह से मांगा और मुझे अल्लाह की जात में पूरा भरोसा है। खुशखबरी तुम्हारे मुंह से सुनूंगा। बाय हसन।